वेलकम टू लफड़ा रेडियो। लफड़ा यानी कि हम एक बार फिर से आज अपने दोस्त रोहतास के साथ। रोहतास भाई वेलकम टू द लफड़ा रेडियो। भाई वेलकम। तो भैया हम दोनों ने किया वेलकम, आप क्यों हो रहे हैं कम कम, और मौसम भी है गर्मी का, लेकिन दोस्तों ये गर्मी का ऐसा मौसम है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन मेरे भाई गर्मी को छोड़िए, न जाने हवा में ऐसा क्या मिल गया है कि आंखों से नींद नहीं जा रही। बहुत नींद आती है भाई। क्यों भाई रोहतास भाई, तुम्हें भी नींद आती है क्या? भाई कह तो तू सही रहो है। मेरे से स्टूडियो की घड़ी कह रही है तुम शो कर लेकिन मेरे घर नहीं आ रही बहुत तेज। लेकिन मेरे भाई आज की खबर सुनेंगे तो बहुत सारा सन्नाटा नहीं चाहेगा यार, मस्ती करेंगे। रोहतास भाई क्या करके मानोगे आज? रे भाई आज का तू लफड़ा चालू कर, फिर देख नींद कैसे भाग गया है। लेकिन मेरे भाई आज तो मुझे भी बहुत नींद आ रही, रात भर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बड़ा परेशान किया। लेकिन भाई अब आज की खबर सुनते हैं। पहली खबर सुन के आपकी थोड़ी सी नींद भागेगी, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी तरह आपकी भी नींद भागती जाएगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं आज का लफड़ा। भाई सुन के थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन चटपटा भी लगता है। तो क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं जहां बिना कपड़े पहने करनी पड़ती है नौकरी? काश मैं भी होता उस ऑफिस में जहां लोग बिना कपड़ों के आते नौकरी पे और सिर्फ मैं कपड़ों में रहता। लेकिन भाई कपड़े पहने मतलब एकदम न्यूड, जरा सा भी आपके तन पर कोई कपड़ा नहीं होगा, तो ऐसा है कहां? चलिए बताते हैं आपको टॉपलेस हेयर ड्रेसर के बारे में। तो भैया सिडनी में स्थित वॉस्टेक वसल वस्की के सैलून में बाल कटवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। पता है क्यों? क्योंकि इसका कारण है उनकी बार बर। इसीलिए लोग उस बार बर के पास बार बार आते हैं और हर बार आते हैं, क्योंकि ये बार बर टॉपलेस होकर लोगों की बाल काटती है। वाह, अपने बाल कटाऊं, अपने बालों को देखूं या फिर उसकी तरफ या फिर उसको? रोहतास भाई मुझे तो ठंडा लग रही। भाई ऐसा मौका मिले छोड़े कौन, कितने भी खर्च हो जा। मतलब के है तुम्हारा मतलब? तुम अभी भाभी का नंबर देना था, नंबर दो मिलाते हैं भाभी को। लेकिन दोस्त टॉपलेस होकर जो लोगों के बाल काटती है बात तो गुरु है, लेकिन भाई सिर्फ शैंपू और 20 मिनट की हेड मसाज के लिए लोग वहां पर जानते हो कितना खर्च करते हैं? जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस काम में लोग खर्च करते हैं $100। भाई गुणा भाग कर लो और खर्चे निकाल लो, $100 इंटू जो भी रुपए का इस समय रेट चल रहा है डॉलर के मुकाबले, उससे करना मल्टीप्लाई और आपको प्राप्त हो जाएगी वो रकम जो आपको खर्च करनी पड़ेगी अगर आपको ये फैंटेसी लेनी है। खैर बढ़ते हैं आगे और आपको अब बताते हैं अगले 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 न्यू टीचर के बारे में। ये है योगा टीचर। जरा सोचिए कि अगर आपकी योगा टीचर न्यूड होकर आपको योगा के तमाम आसन करवाए तो कैसा लगेगा? अरे वैसा ही लगेगा जैसे कि बिल्कुल कामा सूत्रा की पिक्चर चल रही हो बेटे। लेकिन भाई ये किसी प्रकार का मजाक नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में आईएसएस फोनेक्स 2007 से ही महिलाओं और पुरुषों को साथ में न्यूड अवस्था में योग सिखा रहे हैं। तो भैया योग सिखा रहे हैं, लेकिन क्लास के पहले 10 मिनट उन लोगों के लिए बेहद झिझक भरे होते हैं जो इसे पहली बार अपनाते हैं या फिर इस जगह पर पहली बार योग करने के लिए पहुंचते हैं। अरे भैया हमको भी कोई लेकर चलेगा क्या कि हम यहीं पर योगा करते रहेंगे? अरे बड़ा मन हो रहा है कि हम भी थोड़ा सा योगा करें। नहीं अरे भाई करते हुए लोगों को देख लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो लोग नए नए होते हैं वो भी दूसरों की तरह उसी में रच जाते हैं, बस जाते हैं और लेते हैं आनंद। तो आनंद लेते हैं भैया वो लोग योग का। लेकिन बढ़ते हैं दोस्त आगे। आज तो न्यू डिटी की हदीब पार कर रखी है। बाप रे बाप,
अगली खबर न्यूड मार्केटिंग फर्म की है। इंग्लैंड की इस मार्केटिंग फर्म में हर शुक्रवार कर्मचारी बिना कपड़ों के आते हैं। कितना कपड़ा बचाते हो यार तुम लोग, वाओ। क्या कभी ऐसा मौका मिला रोहतास भाई कि आपको भी ऐसा दिखने का मिला हो माहौल? ना भाई, हमें ना मिला एक भी मौका। मिलता तो हम छोड़ते थोड़े ना। तुम तो बड़े ही ढीठ किस्म के लगते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा लगता है कि ये मतलब लेकिन भाई मेरे इंग्लैंड की इस मार्केटिंग फर्म में हर शुक्रवार को कर्मचारी बिना कपड़ों के आते हैं। वाओ। तो ऑफिस के मैनेजर सैम जैक्सन, ना 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 ना, ऑफिस के मैनेजर मिस्टर सैम जैक्सन ने बताया कि अब हम सभी ने एक दूसरे को नग्न अवस्था में देख लिया है, जिसके चलते हमारे बीच अब कोई भी दीवार नहीं बची है। यहां तक इस न्यूड ऑफिस पर व्हाट एल्स द नेक्स्ट ऑफिस नाम का एक टीवी शो भी बनाया गया है, यानी कि हम सारे पॉपुलर हो चुके हैं। तो भैया इनकी पॉपुलैरिटी को रखो किनारे और हमसे लो अब विदा इसी वादे इसी इरादे के साथ कि हम फिर आएंगे और कुछ ऐसी ही नंगी पुंगी लफड़ेबाजी की खबरें आपको सुनाएंगे। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर और सुनते रहो लफड़ा रेडियो।